हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है। 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और अब आपको बताना चाहेंगे कल की डेट से, जैसे 2 अक्टूबर से यहां पर आपका चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको चॉइस फिलिंग एक फर्स्ट राउंड का जो करना है उसको लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट स्टूडेंट के यही थे कि सर कितने कम से कम कॉलेज को फिलअप करें जिससे ज़्यादा रैंक या कम से कम नंबर होने पर भी हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीटली समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है उसमें कम से कम आपको कॉलेज 5-10 आपको अनलिमिटेड कॉलेज चूज करने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप रैंक के हिसाब से अपने उतने कॉलेज चुने जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो चलिए आपको यहाँ पर क्लियर बताते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल ये नोटिस के मद्देनज़र आपका फर्स्ट राउंड का ये जो आपका रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें ये ओनली फॉर यूपी स्टेट कैंडिडेट्स, अर्थात जो यूपी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, ये 30 से 4 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फर्स्ट राउंड का, और फिर फर्स्ट राउंड की च्वाइस फिलिंग भी आपका यहाँ पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच उसको लॉक करना और चूज करना 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच है, जिसमें अनलिमिटेड नंबर आप ये ध्यान से आप इसको देख सकते हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में बी फील्ड, मतलब आप जो कॉलेज चॉइस करते हैं उसमें आपको कोई फिक्स नहीं कि आप 10, 20, 30, आप कितने भी जितने भी कॉलेज हैं उतने भी आप चॉइस कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं दोस्त कि यहां पर कितने कॉलेज कम से कम आपको चूज करने चाहिए, समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट आपको मैं क्लियर समझाना चाहूंगा। अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी 250 प्लस नंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 250 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो अगर आप टॉप 5 कॉलेज भी अगर आप चूज कर लेते हैं, समझिएगा, अगर आपके 250 प्लस नंबर हैं तो आप टॉप 5 कॉलेज को चूज कर लेंगे तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है दोस्तों कि अगर आप जो टॉप ब्रांचेज जैसे आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इन सभी ब्रांचेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इनको ब्रांचेज को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे अगर आप पर्टिकुलर ब्रांच पर डिपेंड करेंगे तो कम से कम आप 10 कॉलेज को फिलअप कर दीजिएगा। सुनिएगा दोस्त, अगर आप जैसे कि आपको कोई ब्रांच का नहीं, आपको बस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अगर आपका 250 प्लस नंबर है, मतलब 250, 260, 270 इस प्रकार अगर आपका नंबर है, तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके टॉप 5 कॉलेज है जो आपको लेना है उसकी आप लिस्ट बनाकर आप च्वाइस करिए। और दूसरी बात, अगर आप उसमें ब्रांच पर डिपेंड नहीं, आप कॉलेज पर डिपेंड है, तो उसमें आप ऐसे भर सकते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, और भी ब्रांचेज जो भी हैं आप फिलअप कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर उस कॉलेज को पाना चाहते हैं, तो सभी कॉलेज में आप इस प्रकार से ब्रांचेज को भर सकते हैं, कोई ना कोई ब्रांच आपको वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको मान लीजिए कि कुछ समय के लिए आपको सिविल ब्रांच ही चाहिए, तो सिविल ब्रांच अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यही होगा दोस्त कि सभी कॉलेज में आप सिविल को फिलअप करेंगे, चूंकि आपको सिविल चाहिए तो जो भी आप कॉलेज जैसे पहला कॉलेज चूज करेंगे तो आप किसमें सिविल फिलअप करेंगे, दूसरा कॉलेज करेंगे तो उसमें सिविल फिलअप करेंगे, तो इस प्रकार सभी कॉलेज टॉप 5 या टॉप 10 तक आप अगर आपका 250 है तो कम से कम आप 10 कॉलेज चूज कर दीजिए, ठीक है, 10 कॉलेज उसमें चूज करिए, और 10 कॉलेज में आपको अगर सिविल चाहिए तो पर्टिकुलर सिविल ब्रांच मिल जाएगा, या इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, या फिर मैकेनिकल मिल जाएगा, जो भी चाहिए अगर आप पर्टिकुलर ब्रांच है तो उसी ब्रांच को रखिए, अदर ब्रांच को ना रखें। इससे दिक्कत ये होगी दोस्त, हो सकता है कि सिविल आपको ना मिले तो दूसरे कॉलेज में आपको इलेक्ट्रिकल फंस जाएगा या फिर आपका मैकेनिकल फंस जाएगा, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वही ब्रांच बने, ज्यादा नंबर आप कॉलेज को बढ़ा दीजिए लेकिन आप ब्रांच जो चाहते हैं वही ब्रांच को केवल सिंगल रखिए। ये तो 250 प्लस नंबर के लिए मैंने बता दिया, 5 से 10 कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्त, अगर आपका 200 प्लस नंबर है, 200 प्लस का मतलब अगर आपका 210 है, आपका 220 है या 230 है, मतलब 250 कम और 200 से प्लस अगर आपका नंबर है, तो कम से कम अगर हम चॉइस करें कॉलेज की, तो अगर आप ब्रांच की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि आपको ब्रांच नहीं चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, तो कम से कम आप 10 से 15 कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं। कितना? 10 से 15 कॉलेज आप चॉइस कर सकते हैं अगर आपका 200 प्लस नंबर आ रहा है, ठीक है, 10 से मतलब कि 200 प्लस नंबर आ रहा है तो 10 कॉलेज या फिर आप 15 कॉलेज वहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ 10 कॉलेज भी चॉइस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिपेंड कर देता है दोस्त यहाँ पर ये पॉइंट, क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको अगर पर्टिकुलर, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर एक ब्रांच जैसे आपको या फिर आपका क्वेश्चन हम क्यों इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहिए, तो आपको सभी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल को
फिलअप करना होगा, तो चांसेस वहाँ कम हो जाते हैं, चूँकि सभी अगर मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर आपसे जिनका ज़्यादा अच्छा नंबर है वो अगर उन ब्रांचेस को लेंगे तो आपकी नीचे आ जाएगी रैंक। तो ये क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप पार्टिकुलर ब्रांच को चाहिए तो 2, 4 या 5 कॉलेज आप बढ़ा दीजिएगा, अगर आपको पार्टिकुलर ब्रांच नहीं चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए तो आप कोई भी ब्रांच से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आप 5 मतलब कि अगर आपका 200 प्लस नंबर जैसे हमने बताया तो आप 10 से 15 कॉलेज ही फिलअप कीजिए, 10 से 15 कॉलेज ही फिलअप कीजिए, या 10 कॉलेज आप फिलअप कर देंगे, पार्टिकुलर ब्रांच को आप नहीं ध्यान देंगे, आप कोई भी ब्रांच से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 10 कॉलेज भर दीजिए, अगर आपका 200 प्लस नंबर है तो आपका कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका पार्टिकुलर ब्रांच चाहिए तो कम से कम 15 कॉलेज तो आप फिलअप जरूर करिए जिससे वो ब्रांच आपको मिल सके, क्योंकि जब हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ये सब सिविल और ये इलेक्ट्रिकल ये ब्रांचेस की ज़्यादा मांग होती है, उसके बाद फिर आपका मैकेनिकल होता है जिसे मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल फिर स्टूडेंट लेते हैं, फिर आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का भी मांग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मांग है और भी जो भी यहाँ पर हैं दोस्त, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग के अंतर्गत और भी ब्रांचेज उसमें नीचे आती हैं, तो ये सभी जो ब्रांचेज है सबकी मांग है, ठीक है। तो आप जो ब्रांच में थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी देखिए आप किस में ब्रांच के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, आपको हमने बता दिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आपका 150 प्लस नंबर है, 150 का मतलब आपका 160 है, 170, 180 है, मतलब 200 से कम और 150 से ज़्यादा या 150 आपका नंबर है, तो उस कंडीशन में कितने कॉलेज आप फिलअप करें? देखिए उस कंडीशन में कम से कम आप 25 कॉलेज जरूर फिलअप करिए। देखिए दोस्तों, चॉइस करने में कोई कंजूसी आप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो कॉलेज ना मिले तो अदर कॉलेज आपको मिल जाए, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पार्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए तो कम से कम आप 30 से 35 कॉलेज फिलअप कर दीजिए। सुनिएगा, अगर आपको दोस्तों मतलब कि मेरी बात समझिएगा, अगर आपको उन 25 कॉलेज में कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा करना है, ठीक है, कोई भी ब्रांच, मतलब आपने जैसे कि हमने बताया कि आप कम से कम 25 कॉलेज भर दीजिए, तो अगर इस 25 कॉलेज में से आप कोई भी ब्रांच के अंतर्गत डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप आराम से 25 कॉलेज में आपका 150 प्लस नंबर है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टिकुलर ब्रांच की बात करें, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन या कोई भी ब्रांच की बात करें, तो उसके लिए दोस्तों सीटें थोड़ा कम पड़ सकती है। इसके लिए आप क्या करें, 25 से मतलब आप 30 कॉलेज कर दीजिए, 30 प्लस कॉलेज आप कर सकते हैं, इसको चॉइस कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी के और ज्यादा आते हैं दोस्तों कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या सेकंड, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाता तो क्या सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं दोस्त, रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी एक बार ही लगती है और जो कि 250 रुपए है वो एक बार आपकी फीस लगेगी, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। जो चॉइस और फिलिंग का ये लॉकिंग का ऑप्शन होता है ये आपको सेकंड राउंड में करना होता है। जब आप यहां पर कुछ ऑप्शन है उसको मैं आपको बताऊंगा, इसको वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। सुनिएगा, पहले मैंने आपको दो पॉइंट बता दिया, अगर आपका 150 प्लस नंबर है तो आप अगर पार्टिकुलर ब्रांच नहीं चाहिए तो 25 कॉलेज भर सकते हैं, अगर आप किसी एक ब्रांच को चाहिए तो कम से कम आप 30 कॉलेज फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं दोस्त, अगर आपका 100 प्लस नंबर है, 100 से आपका 150, ये नंबर आपका बहुत कम हो चुका है, मतलब 100 से 150 नंबर आपका कम माना जाता है, तो इसलिए कह सकते हैं 100 से 150 नंबर के लिए कम से कम आपको 35 से 40 कॉलेज तो फिलअप कर ही देना चाहिए। कितना दोस्त, 35 प्लस या 40 कॉलेज कम से कम फिलअप कर दीजिए। अब इधर जो आपके आते हैं 100 से 150 नंबर के बीच, इधर आपको पार्टिकुलर ब्रांच मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर आपका इतने नंबर है तो आप किसी ब्रांच के अंतर्गत आप गवर्नमेंट कॉलेज को पाना चाहते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम कॉलेज को फिलअप करना आपके लिए उचित होगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना ही चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, 40 से 50 हज़ार फीस है प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कॉलेज है, और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो आपकी 11 हज़ार रुपये पर ईयर फीस है, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंट है, और स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाते हैं, और सुविधाएँ आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। हॉस्टल भी बहुत से कॉलेज में उपलब्ध है, तो वहाँ पर आपको बहुत से कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत हॉस्टल मिल जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में मिलते हैं लेकिन वहां पर फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहें गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्त जो हॉस्टल जहां पर उपलब्ध हैं वहां पर 23 रुपए ऐसे आपको एक ईयर का आपको एक सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करना होता है 23 रुपए, ठीक है। कितना, 23 रुपए एक साल का जमा करना होता है। आप पूरे हॉस्टल में रहते हैं मतलब आप पूरा 23 रुपए देकर एक साल आप रह सकते हैं, वो सिक्योरिटी फीस के रूप में रहता है जो कि आपके स्कॉलरशिप में ऐड होकर वो आपको मिल भी जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको इसमें फीस यहां पर लगती क्या है, तो दोस्त आपका लगभग हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1500 से 2000
₹2000 आपकी यहाँ पर लगती है क्या मिस फीस। मिस का मतलब दोस्त आप जो वहाँ पर खाना खाते हैं, हॉस्टल में आपको रहेंगे तो आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर तो वहाँ पर बनाने अलाउ नहीं होता है हॉस्टल में, हॉस्टल में आपका वहाँ पर खाना बनता है। तो इसके लिए आपको 1500 से 2000, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है हर कॉलेज का मिस की व्यवस्था जैसा, लेकिन 2000 तक आपके यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये रखा जाता है, वहाँ पर आपके मिस चार्ज लगता है, ठीक है। तो और ये आपका पर मंथ होता है, पर ईयर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, आपका 1500 से 2000 रुपये जो होगा वो पर मंथ आपको हॉस्टल के मिस फीस देना होगा, और 2300 रुपये आपका एक ईयर का होता है, कितना एक ईयर का, अर्थात एक साल आपका सिक्योरिटी फीस के रूप में 2300 रुपये जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको हॉस्टल की फीस रहने के लिए कुछ नहीं देना, आपको 1500 से 2000 रुपये मिस फीस ही देना है। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए दोस्त हमने आपको बता दिया कि अगर आप 100 से 150 नंबर के बीच है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कम से कम आप 40 कॉलेज जरूर फिलअप कीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको अपने पर्टिकुलर ब्रांच को मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका नंबर क्या है कम है, ये चीज़ आपको भी पता है। अब एक बहुत ही ज़्यादा कम नंबर जिसका स्टूडेंट का है, कह सकते हैं जिनका 50 से 100 नंबर के बीच है, अर्थात 100 से नीचे जिनका नंबर है या 50 के ऊपर है, वो कितने कॉलेज फिलअप करे, तो ये आपके ऊपर है। अगर दोस्त आप चाहते हैं कॉलेज को पाना ही गवर्नमेंट, तो आप 60 या फिर प्लस 70 या प्लस 80 कॉलेज को आप फिलअप कर दीजिए। कम से कम 70-80 कॉलेज को फिलअप करने पर आपको कोई ना कोई ब्रांचेज के अंतर्गत मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत या गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत डिप्लोमा करना ही चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 70 से 80 कॉलेज आप फिलअप कर दीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्त, आप अगर लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराएंगे, जैसे 8 राउंड तक काउंसलिंग प्रोसेस है, अगर आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराएंगे तो 100% आपको भी ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये चीज आप समझ सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप कोई भी अभी कोई भी फीस नहीं जमा करिएगा, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी फीस अभी नहीं जमा करिएगा, अभी आप पहले गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कॉलेज है ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को चॉइस करके इसमें आप एडमिशन कराइएगा, नहीं तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा फीस लग जाएगी वहां पर। यहां पर जो आपकी स्कॉलरशिप आना है वो वहां पर मुश्किल होता है आना, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीज को अभी से ही काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चॉइस कर दीजिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा रैंक है, अर्थात बहुत ज्यादा कम नंबर है, तो ज्यादा से ज्यादा जैसे हमने बताया अगर 50 से 100 नंबर के बीच है, तो आप कम से कम दोस्तों 70 कॉलेज भी चॉइस कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपके ऊपर डिपेंड है, ये 70 कॉलेज अगर आप चॉइस कर सकते हैं, 70 से 80 कॉलेज चॉइस कर दीजिए, जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए फर्स्ट राउंड में। चूंकि फर्स्ट राउंड दोस्तों थोड़ा मुश्किल ये होना है होता है मिलना, चूंकि इसमें सभी काउंसलिंग कराते हैं और सभी भाग लेते हैं, तो जिनकी बहुत अच्छी कह सकते हैं नंबर है या फिर बहुत अच्छे कम रैंक है स्टूडेंट की, उनको पहले मिल जाता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सीटें बचती हैं उस प्रकार से आपको कॉलेज दिया जाता है। तो मेन पॉइंट्स हमारा कहने का मतलब यही था कि आप ज़्यादा से अगर कम नंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चॉइस करिए, तो इस प्रकार आपके कॉलेज पाने की प्रायिकता, एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने की प्रायिकता बढ़ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। और दोस्त यहाँ पर आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के पश्चात आपका सीट अलाटमेंट होगा, ये आपको 6 अक्टूबर को दिखाई देगा कि आपको कौन सा कॉलेज वहाँ पर मिला है, ठीक है, कौन सा कॉलेज और उसमें कौन सी ब्रांचेज आपको मिली है, ये चीज़ आपको 6 अक्टूबर को दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन च्वाइस करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन क्या होता है, फ्रीज कब किया जाता है, फ्लॉट एडमिशन लेने पर क्या होगा, या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो कौन से च्वाइस करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, हेल्प सेंटर, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तुरंत आपको अपडेट देने वाला हूं जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की अपडेट और दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।